आज मैं अकेला लड़ रहा हूं इन लोगों से, एलजी से अकेला लड़ रहा हूं, बीजेपी वालों से अकेला लड़ रहा हूं, इन सातों सांसदों से अकेला लड़ रहा हूं, केंद्र सरकार से अकेला लड़ रहा हूं। आप मेरे को बेटा मानते हो, आपने मेरे को बेटा बोला है, अगर आपने मेरे को बेटा बोला है तो अपने बेटे को अकेला तो नहीं छोड़ोगे इस तरह। आज मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि अपने बेटे को मजबूत करो। आपने मेरे को 70 में से एक बार 67 सीट दी, मेरे को मजबूत किया। दूसरी बात, 70 में से 62 सीट दी, मेरे हाथ मजबूत किए विधानसभा के अंदर। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। आज ये जो मैं इनसे लड़ पा रहा हूं थोड़ा बहुत, ये इसी वजह से लड़ पा रहा हूं, जो भी थोड़े बहुत काम कर पा रहा हूं इसी वजह से काम कर पा रहा हूं, क्योंकि आपने इतना भारी बहुमत दिया था। अगर आपने 70 में से 40 सीट दी होती, ये बीजेपी वाले सरकार तोड़ देते, गिरा देते, खरीद लेते, डरा देते मेरे एमएलए को। ये तो आपकी दुआ है, आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है, आपका प्यार है कि आपने 70 में से 62 सीट दी। इसी तरह से जैसे आपने विधानसभा में मेरे हाथ मजबूत किए, अब संसद में मेरे हाथ मजबूत कर दो। संसद में मेरे को 7 एमपी दे दो, जो इंडिया गठबंधन के हैं, 7 एमपी दे दो। ये 7 एमपी मेरे 7 बड़े बड़े हाथ बन के काम करेंगे। अगली बार एलजी काम रोकेगा, ये 7 काम करा के लाएंगे। अगली बार अगर केंद्र सरकार काम रोकेगी, ये 7 काम रोक के काम करवा के लाएंगे। अगली बार संसद के अंदर आपके हक मारे जाएंगे, ये 7 एमपी संसद में उठ के आपकी आवाज बनेंगे। मैं आज आपसे यही मांगने के लिए आया हूं, ये 7 एमपी अगर हमारे आ गए तो आपके बेटे के हाथ मजबूत होंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके काम रोक पाए। और ये तो कहते हुए घूम रहे हैं चारों तरफ, हमारी 370 आ रही है, हमारी 370 आ रही है, हमें नहीं चाहिए दिल्ली वाले, आपकी जरूरत ही नहीं इनको। खुलेआम कह रहे हैं 370 आ रही है, हमारी 370 आ रही है, इनको दिल्ली वालों के वोट चाहिए ही नहीं, इनको दिल्ली के सांसद चाहिए ही नहीं, मेरे को चाहिए आप। मैं आप, मेरे को आपकी जरूरत है, मेरे को दिल्ली वालों की जरूरत है, मेरे को दिल्ली वाले चाहिए, मेरे को दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग चाहिए, मेरे को उनसे प्यार है। मैं दिल्ली वालों से प्यार करता हूं, ये आपसे नफरत करते हैं। मेरे को दे दो मेरा एक एक वॉलंटियर, मैं आपके घर घर आऊंगा वोट मांगने के लिए। ये नहीं आएंगे, इनको नहीं चाहिए, अहंकार हो गया इनको, बहुत अहंकार है। जिसको वोट चाहिए उसको दो ना, जिसको वोट नहीं चाहिए उसको वोट क्यों दे रहे हो। और अभी महिलाओं के लिए मैंने ऐलान किया है 1000-1000 रुपए। मैं देख रहा था टीवी चैनल पे, महिलाएं बड़ी खुश हैं, हर टीवी चैनल वाला सड़क पे जाके पूछ रहा, महिलाएं बड़ी खुश हैं। पर हर महिला कह रही, अच्छा यकीन नहीं हो रहा महिलाओं को, अच्छा होगा क्या, होगा क्या, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या। मैं सारी माँ बहनों को कहना चाहता हूँ, पिछले 10 साल में ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो कभी सोचे ही नहीं थे। कभी जिंदगी में सोचा था बिजली मुफ्त भी आ सकती है, पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ बिजली मुफ्त भी आ सकती है और 24 घंटे भी आ सकती है। अरे केजरीवाल है, केजरीवाल के टाइम में पता नहीं क्या क्या अभी और चमत्कार होने बाकी हैं। मैं सारी महिलाओं को बोल रहा हूं, मैं हूं, आपको 1000 रुपए दिला के रहूंगा, बजट में पास हो गया, ये कोई मैं ऐलान नहीं कर रहा, बजट में पास करके आया हूं, विधानसभा में पास हो गया, ये चालू होगा। बस आप मेरे को आशीर्वाद दे देना, आपसे मैं बदले में यही मांग रहा हूं, मेरे को 7 एमपी जिता दो ताकि मेरे को और ताकत मिले। दूसरी चीज, आप 7 बीजेपी के एमपी जिता देते हो, आपको क्या मिलता है, केवल और केवल आपके काम रोकने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। व्यापारियों को इतनी तकलीफें हुई हैं पिछले 10 साल में, एक बार नोटबंदी आ गई, एक बार जीएसटी आ गई, एक बार वो हीरे के व्यापारियों के ऊपर कुछ इन्होंने लगाया था, कितनी बार व्यापारियों, कभी दिल्ली के एक भी सांसद ने आपकी आवाज उठाई, व्यापारियों से मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली के, कभी एक भी सांसद ने आपकी आवाज उठाई, हिम्मत ही नहीं है, किसी बीजेपी के एमपी की हिम्मत ही नहीं है जो आपकी आवाज उठा दे, तुरंत उसको दो ऊपर से डंडा मारेंगे ये लोग की खबरदार तूने जो बीजेपी के खिलाफ बोला। मैं आपकी आवाज बनूंगा, हमारे 7 एमपी आपकी आवाज बनेंगे। दिल्ली के अंदर डीडीए है, हमारी चलती नहीं डीडीए।
Subscribe our channel for latest news and updates. And don't forget to press bell icon for latest notifications.